किसी के साथ अन्याय जिसका जवाब मैं कल नहीं दे पाऊंगा। हमने कल भी यही बात कही कि मुझे मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो मैं जिसका जवाब कल नहीं दे पाऊंगा। क्यों नहीं, हम बात तो पुलिस पे आएगी ना जी, व्यक्ति नहीं होता, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता सर, महत्वपूर्ण होता है कुर्सी, महत्वपूर्ण होती है पुलिस। हम पुलिस की कार्य प्रणाली की बात कर रहे हैं, हम हरिद्वार जनपद की बात कर रहे हैं, हम रुड़की के प्रकरण की बात, एक रुड़की की बात नहीं है। आप हमको ये जवाब दे भी तो आपकी है सर कि जो रुड़की का नाम वहाँ हरिद्वार के अंदर घटना घटित हुई उसकी जवाब दे किसकी है, उसके लिए दूसरे के पास जाएंगे हम। जो क्या नाम सांसदों में और विधायकों में हुआ उसमें भी तो FIR लिखी गई, क्या कार्रवाई आप द्वारा की गई पता है ना पुलिस हमको, बुलाया आप कप्तान को, कप्तान जो है क्या बताए कप्तान इस बात को। नहीं नहीं एक सर दूसरी चीज, आप कह रहे हो कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई, ठीक है मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई तो मान ले, एक बार आपकी बात को मान ले, लेकिन व्यक्ति जो घायल हुआ है वो तो आपके सामने था, उसका सिर फटा, उसको चाकू लगे फेफड़े के आसपास या हार्ट के आसपास, जो आपने 307 उस पर लगा दी, बताइए ना किस सर्कमस्टांसेस पे लगाई, खाली प्रेशर पे, हाथ में चोट है और 307 आप बना देते हुए गिर के चोट लगी, उसको गिर के चोट लगी, वीडियो आप उसको कल के दिन कोर्ट में तो जवाब देना होगा आपको, और आपकी सर्विस आज थोड़ी खत्म हो रही है, कल को भी तो नौकरी करनी है आपने, जवाब दे आज ही थोड़ी खत्म हो जाएगी, कल को भी जवाब दे आपकी तय की जाए, आप क्या सोच रहे हो, मत रहो कोई भी अधिकारी कि हम सड़क पे रहेंगे, ये तो पब्लिक है, कभी भी किसको कहां पहुंचाएगी, जिंदगी भर करंट लग गया, अरे बोले जेल में रहना पड़ा एक सेकंड यार, और जेल जाने से किसी की नेतागिरी खत्म नहीं होती और चमकती और चमकती भी, आपको अभी भविष्य है किस उसमें हो, प्रेशर ठीक है प्रेशर लिया जाता है, ऐसा नहीं कि सरकारों का प्रेशर नहीं झेला जाता, हम भी सरकार में रहे, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता कि आप दिन की रात कर दो, रात की दिन कर दो। मनोज गर्ग तो 3 दिन बेहोश पड़े रहे हॉस्पिटल में, मनोज गर्ग जो मेयर है वहाँ के हरिद्वार के, 3 दिन बेहोश पड़े रहे हॉस्पिटल में, उनका कुछ नहीं हुआ, FIR भी दर्ज कराया, उनका कोई अरेस्टिंग नहीं हुई, सतपाल महाराज जी की अरेस्टिंग नहीं हुई, पूरा दुर्भावना के मुझसे यशपाल राणा के साथ कोई नहीं है तो उसको भी दिमाग से हमारी तहरीर में भी किया गया है, और इसके साथ साथ जो मेयर साहब के पुत्र हैं उनके द्वारा जो FIR जो है पुलिस को दी गई थी, जो तहरीर दी गई थी उसको भी अंकित करने का काम किया गया है, और यही हमारी डिमांड थी। अब इसमें हम चाहेंगे कि पुलिस जो है तत्काल प्रभाव से जो हमारी FIR है मेयर साहब की तरफ से उस पर कार्रवाई करने लगा, जो दूसरे के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। नहीं मैंने कहा ना कि अभी आपने सुना नहीं मेरी बात, मैंने यही तो कहा कि मेयर साहब के पुत्र के द्वारा जो FIR दी गई उसको दर्ज करने का काम पुलिस ने किया है, ये बात SP देहात में मुझे कह रही है, तो जब FIR दर्ज हो गई है तो निश्चित रूप से उसके अनुसार कार्रवाई होगी। आपको यहाँ तक आना पड़ा इस बात को मनवाने के लिए, क्या पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही थी? निश्चित रूप से आज प्रदेश के अंदर जो सरकार है और जो सरकार